ग्रैंड मास्टर्स के जो मैं गेम बना रहा हूँ उसमें ये दूसरा भाग है। इसमें ग्रैंड मास्टर वैन कैंपेन रॉबिन डच और कार्लसन पॉन्टस स्वीडिश ग्रैंड मास्टर के लिए है, और ये गेम भी सिसिलियन नेसडॉफ में खेला गया हुआ है। तो देखते हैं, तो e4 c5 नाइट f3 d6 d4 c×d4 Nxd4 Nxf6 Nxc3। ये दोनों नाइट यहाँ पे लाता है, c3 और d4, तो दोनों नाइट अटैक कर रहे b5² को, तो इसलिए ब्लैक खेलता है पॉन a6। हाँ, या ये स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सिसिलियन नेसडॉफ के बहुत स्टैंडर्ड यहाँ तक मूव्स है, कॉमन मूव्स है, बुक मूव्स है, और ऐसे ही खेलते हैं। तो बाद में इसने Bb3 खेला, e5, ये नाइट को थ्रेट, Nxb3, Be6 खेल के फिर इसको थ्रेट दिया। अगर ठीक है मारता है तो एक पॉन डबल हो जाता है। f4 Nxd7, ये नाइट को सपोर्ट, f5 बिशप को थ्रेट, Bxb3, a×b3, तो वाइट का एक डबल पॉन हो गया। Rxc8 Bxe2 Nb6 कैसल d5 Nxd5 Nxd5 e×d5 Qxd5। तो पोजीशन यहाँ पे बिशप अगेंस्ट नाइट है, तो इक्वल पोजीशन है। मतलब अभी एक क्वीन एक्सचेंज के लिए इसने दी है, लेकिन इसने c4 खेल के क्वीन को थ्रेट दिया। Qxd6 Qxd1, और यहाँ तक तो ठीक से चल रहा है। यहाँ पे इसने Bxc5 खेला, ये ग्रीन लाइन थोड़ी सी अंदर दिख रही है ना, वहाँ पे खेला c5। तो एक्चुअली रिकमेंडेड है Bxb4, वो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो इसने खेला c5, तो यहाँ b4 पे लाता था तो भी अच्छा रहता था, क्योंकि बिशप को इसने डायरेक्ट थ्रेट दे दिया। अभी ये अनसपोर्टेड है बिशप, और बिशप टू अगर b4 खेलता हो, Bxb4 यहाँ पे, तो ये Bxg5 खेलता है यहाँ पे, और फिर ब्लैक कैसल करता है, ऐसी मूव होती थी। सो किंग टू h1 Bxb5, हाँ, उसके बाद इसने खेला Bxb3, ये ऐसे ही छोड़ छोड़ दिया बिशप को, लेकिन क्वीन को थ्रेट किया इसने बिशप से। Qxb6 Bxg5 कैसल Bxf6 Gxf6, तो इसका कैसल ब्लैक का ब्रेक हो गया। मतलब हाँ, ये भी खतरे वाला काम रहता है, कैसल ब्रेक होना अवॉइड करना चाहिए। Bxb5 Qh8 Rxf3 Qc7, क्वीन और रुक को एक फाइल के ऊपर रखा है। Qxd2 Qe7 Qxh6
अभी हो सकता है, मतलब यहाँ पे आइडिया उसका है कि रूक को H3 पे लाके ए पॉन पे डबल अटैक करने का। तो इसने रूक टू G8 खेला, रूक टू E1, सॉरी रूक टू E1। हाँ, सफेद ने यहाँ E1 पे लाया रूक, रूक टू G7, ठीक है, रूक टू E4। अभी सारे ये एच पॉइंट पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, बिशप टू D4, रुक टू H3। देखो अभी यहाँ पे किसने किया, पॉन के ऊपर डबल अटैक है और रुक से ट्रिपल अटैक कर सकता है, एच पॉइंट पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्वीन टू B4। अभी क्वीन टू B4 में डेंजर इसमें क्या है कि ये बैक रैंक है इसका, क्वीन अगर E1 पे आ जाती है तो चेकमेट ही होगा सीधा, तो कॉशियस रहना चाहिए सफेद को। तो क्वीन इसने F6, क्वीन क्रॉस F6 किया, ये रुक पिन हो गया। अभी इसने ब्लैक ने जो खेला तो क्वीन टू D2 खेला, वो बहुत बैड मूव हो गई। हाँ, एक तो इसने बिशप F2 पे लेना चाहिए था, F2 पे लेता तो क्या होता है, रुक यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है H4 के ऊपर, H4 प्रोटेक्ट होता था, और ये रुक F8, ये और एक मूव है। हाँ, ये दोनों मूव से क्या होता है देखते हैं हम लोग। रुक पहला बिशप टू F2 देखते हैं। हाँ, बिशप टू F2 अगर लिया तो ये G3 खेलता है, रुक टू F8 और रुक टू H4, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग थे, दूसरा गेम उसका था रुक टू F8, तो ये रुक H4 पे लाता है, अगर लाता है तो क्वीन E1 लेके चेकमेट हो जाता है, तो वो H4 पे नहीं ला सकता, ये रुक F8 खेलने से भी ये हो जाता है, तो मेट अवॉइड होता था ये मूव से। हाँ, बिशप टू F2 मूव से मेट अवॉइड हो सकता था, लेकिन अभी ये पोजीशन जो क्वीन डू D2 इसने खेला तो ये मेट इन 5 की पोजीशन बन गई, और 5 मूव में चेक मोड हो गया, वो कैसे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसने किया रुक क्रॉस H7, किंग क्रॉस H7, रुक टू H4, किंग टू G8, बिशप क्रॉस F7 एंड चेक, रुक टू F8, रुक H8 एंड चेक, रुक टू G8 और रुक क्रॉस G8 एंड चेकमेट। और ये सभी जो गेम मैं ले रहा हूँ वो छोटे गेम ले रहा हूँ, और जिसमें चेकमेट हुआ है ऐसे गेम हो रहा है, बहुत सारे गेम रहते हैं जो रिजाइन किए होते हैं, छोड़ दिए होते हैं, वो नहीं ले रहा हूँ। और मैं इस वीडियोस अन्य भाषा में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मराठी सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं वो सारे हिंदी समझते हैं तो हिंदी देख लेंगे, ऐसे मैं अलग से बनाता हूँ, फिर मराठी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहे, बहुत सारे वीडियो ये है मेरे पास गेम्स।